BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और काउंटर स्ट्राइक जैसे जितने भी शूटिंग फाइटिंग ऑनलाइन गेम्स हैं वो बैन होने वाले हैं क्या? आप लोग इन्हें खेलना बंद कर देंगे? हैकर्स कौन होते हैं और इन गेम्स में क्या करते हैं? तो आपका स्वागत है हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गेम्स में हैकर चीट कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कल मैं अपने फ़ोन में गेम्स खेल रहा था फ्री फायर, तो उसमें एक आदमी मुझसे बात करता है और उसने बताया कि वो BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलता है और वो एक हैकर है। उसने बताया कि उसने यूट्यूब पर भी बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो एम बोट की मदद से ऐसे करता है और इसका मतलब है बिन निशाना लगाए अपने आप एम सेट होकर गोली चल जाती है। वो आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरफ देख सकता है और उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि वो एक मैप से दूसरे मैप में सेकेंड्स में चला जाता है और वो ऐसे ही घूमता रहता है। वो गेम्स में कार की स्पीड से भी फास्ट चलता है। और उसने बताया कि असली स्टीमर्स उन जैसे को हैकर्स है जो उन्हें पसंद नहीं करते और इन हैकर्स की संख्या आज के टाइम में बढ़ती जा रही है। क्या गेम्स को इसका पता नहीं है? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे में जो लोग गेम प्ले की स्किल एक्वायर कर रहे हैं उन्हें तो कोई पूछेगा ही नहीं, फिर वो तो खेलना ही छोड़ देंगे क्योंकि फेयर गेम्स तो चल ही नहीं रहा। एक मेहनत करके लोग गेम खेल रहे हैं और दूसरा हैकर्स हैक लगाकर उसको आराम से मार कर चला जाएगा। क्या गेम्स कुछ नहीं करते इसके लिए? इस चीज़ को रोकने के लिए गेम्स कंपनी स्ट्रगल कर रही है। सबसे पहले एंटी चीट इंजन आया था वोल्वो का काउंटर स्ट्राइक में, जिसे फाइल इंटीग्रिटी चेक की जाती है, जिसका मतलब है ये लोग गेम्स फाइल और रॉ डाटा है जो उसे यहाँ सब चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं ताकि उसकी एडवांटेज ले सके। अब जो एंटी चीट इंजन है वो गेम्स फाइल को चेक करता है कहीं करप्ट तो नहीं है, इनके साथ छेड़खानी तो नहीं की गई। अगर ऐसा पाया जाता है तो एंटी चीट इंजन उस फाइल को नई फाइल से रिप्लेस कर देता है। इसे गेम चीट काम नहीं करती। अगर किसी ने हैक करने के लिए किसी फाइल को मॉडिफाई कर दिया और वो फाइल 200 KB की है तो वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। अब एंटी चीट इंजन पता लगा लेगा कि ये फाइल तो 200 KB की थी और अब 300 या 150 KB की हो गई है। इस पर प्लेयर की आईडी बैन कर दी जाती है और फाइल को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। अब बात करें तो ये AI का ज़माना है और कंप्यूटर बहुत स्मार्ट हो गए हैं और उन कंप्यूटर को चलाने वाले तो और भी स्मार्ट हो गए हैं। आपको पता होगा बहुत से स्ट्रीमर्स हैं जो स्ट्रीम करते हैं एक कंप्यूटर पर, मतलब खेलते एक कंप्यूटर पर है और कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उस दूसरे कंप्यूटर में। अब चीट में कंप्यूटर में नहीं की जा रही, जहां खेल रहे हैं उस कंप्यूटर में हो रही है। जहां कैप्चर कार्ड यूज़ किया जा रहा है वहां चीट हो रही है। वो मेन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऐसे में गेम प्ले दो स्क्रीन पर चलता है, पहली पर खेला जा रहा है जो हैक नहीं होगा और दूसरे कंप्यूटर पर गेम की आउटपुट जा रही है। अब दूसरे कंप्यूटर पर AI लगा हुआ होता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो एम बोट का काम कर रहा है। यहाँ गेम प्ले नहीं कास्ट किया जा रहा है, यहाँ से गेम प्ले को इंस्ट्रक्शन माउस और कीबोर्ड कर दिया जा रहा है। जिस कंप्यूटर में गेम प्ले हो रहा है वहाँ कीबोर्ड और माउस का इनपुट आ रहा है, लेकिन असली काम दूसरे कंप्यूटर कर रहा है। वहाँ ऐसी चीट को पकड़ना मुश्किल है, ऐसा ही एम बोट को पकड़ना इम्पॉसिबल है। इसके लिए भी मैकेनिज्म आ गया है, लेकिन अगर कोई एम बोट इस्तेमाल करता है तो चीट पकड़ी जा सकती है। अगर कोई एनिमी देखते ही मार देता है तो वो हैक है। कोई भी आदमी ह्यूमन इतना फास्ट नहीं हो सकता। इंसान को टाइम लगता है किसी भी काम को करने के लिए और वो एक पैटर्न पर ही नहीं काम करता, बल्कि मशीन्स एक पैटर्न पर काम करती है। इसी को डिटेक्ट करके बैन किया जाता है, लेकिन AI जो बहुत स्मार्टर है रियल गेम में चीट होती नहीं। चीट तो दूसरे कंप्यूटर पर होती है जहां कैप्चर कार्ड वीडियो फीड दे रहा है। रोबोट और एम बोट को आउटपुट दूसरे डिवाइस में दिया जा रहा है एज अ पेरिफेरल, लेकिन ऐसा ही अगर चलता रहा तो लोग इन्हें खेलना बंद कर देंगे। कभी कभी मैं भी खेल रहा हूं और हैकर आ जाए तो सच में गेम खेलने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। वो एक वॉल के पीछे भी देख सकता है, गेम की सेटिंग को इतना लो कर देते हैं फाइल्स को बदल कर कि गेम वॉल या
किसी और चीज़ को रेंडर ही नहीं कर पाते हैं। जो घास टेक्सचर वॉल्स और भी चीज़ हैं ये ग्राफिक इंटेंसिव कंपोनेंट होते हैं, तो इन्हें रेंडरिंग में ज़्यादा पावर चाहिए होती है। ये कंप्यूटर को ऐसा बना देते हैं कि ग्राफिक कम है लेकिन इन पर अच्छे ग्राफिक कार्ड होते हैं। जो सिस्टम होता है वो वॉल को रेंडर नहीं कर पाता और इन्हें एज मिल जाता है जिससे वो आर पार देख पाते हैं, जबकि फेयर गेम में ऐसा नहीं होता। तो आपको पता लग गया होगा FPS कैसे कैसे डेड या फिर बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ऐसा हैकर्स से जो गेम को हैक करके चीट करते हैं। बड़े बड़े स्ट्रीमर्स जो ई स्पोर्ट खेलते हैं वो भी इस एमबोट और हैक का सहारा लेते हैं। बाहर के भी ऐसे स्ट्रीमर्स हैं जिनका बाद में पता चला कि वो एमबोट का यूज़ करते थे, हर बार वो हेडशॉट मारते थे। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम ये गेम्स कैसे फेस कर रहे हैं और स्ट्रीमर्स को भी फेस करनी पड़ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको क्या लगता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन गेम्स में चीट करना सही है या गलत, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।